प्यारे बच्चों, आप सभी अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे, इसकी हम कामना करते हैं। बच्चों, हमने पिछले क्लास में आपको बताया कि हम अभी बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पे, हम लोग बातें कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों की एक बुक जो काफ़ी बेहतरीन किताब है, उस पे लोक व्यवहार बुक का नाम है, राइटर है डेन कार्नेगी। बहुत बेहतरीन चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, उस पर अभी हम लोग बातें कर रहे हैं। तो कल हमने उसके पहले चैप्टर पे बातें की थी, आज उसके दूसरे चैप्टर में क्या शिक्षा दी गई है उस पर अपने विचार हम रखेंगे कि कैसे हम उसको अपने जीवन में लाके उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करके अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने पर्सनालिटी को और आकर्षक बना सकते हैं, कैसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, कैसे अपना जो काम चाहे वो हम करवा सकते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इंसान की क्या सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और आगे हम लोग इस पर बातें करते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर में है बच्चों कि लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। बच्चों, आपने देखा होगा हिस्ट्री में, अक्सर पढ़े होंगे आपने कि हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे। जंगलों से उन्होंने धीरे धीरे सभ्यता की ओर अपना आना शुरू किया। पहले जानवरों के साथ रहना, जैसे जानवर रहते थे वैसे इंसान रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इंसानों को लगा कि नहीं, इनसे हम थोड़ा, जानवरों से थोड़ा हटके। उसके बाद इंसानों ने अपना घर बनाना शुरू किया। घर बनाने के बाद तो धीरे धीरे खेती करना, उसके बाद धीरे धीरे सभ्यता विकसित होने लगी और आज के समय हम आधुनिक सभ्यता में जहाँ हैं वहाँ हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा देन है। अब हम बातें करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक ही साथ रहने वाले जानवर और एक ही साथ रहने वाले इंसान जब जंगलों में रहते थे तो दोनों में अंतर कैसे आए। तो इसमें मेन कारण ये था बच्चों कि हम इंसानों के अंदर अपने आप को सबसे अच्छा दिखाने की, एक सम्मान पाने की लालसा होती है, यही हमें जानवरों से अलग करती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ हो, हर इंसान चाहता है कि वो लाइफ में बहुत अच्छा करे, हर इंसान चाहता है कि लोग उसको जाने, समाज उसको जाने। तो ये जो गुण होता है, ये गुण क्या होता है कि यही जानवरों से हमें अलग बनाता है। अब इस गुण में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लोग तारीफ के बहुत भूखे होते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि हम एक दूसरे की शिकायत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन हम तारीफ बहुत कम करते हैं। कोई शिक्षक अगर हमें पढ़ा रहा है तो उसने हमें बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा दी है, लेकिन एक दिन दो दिन गलती अगर उससे हो जाए तो उसकी बहुत बुराई हम करेंगे लेकिन उसकी तारीफ नहीं करेंगे। सेम इसी तरह से अगर आपके माता पिता आपके लिए दिन भर रात भर काम करते हैं, कभी किसी कारण से उनसे एक छोटी सी गलती हो जाती है, कुछ उनसे छूट जाता है, तो उनकी हम बुराई बहुत ज़्यादा करेंगे कि आपने ये नहीं दिया, इस कारण से हम नहीं हो पाए। तो इससे क्या होता है कि ईगो को चोट लगता है। तो हम इंसानों में क्या होता है, हर इंसान तारीफ के भूखे होते हैं, हर इंसान को तारीफ चाहिए और यही तारीफ हमें सभ्यता विकसित करने में मदद की। जैसे आज के समय भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं जिसे दान में दे देते हैं, या फिर घर बनाते हैं बड़ा सा आलीशान। आखिर क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्हीं के अंदर एक चीज़ होता है कि लोग हमारी तारीफ करें। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं तो वो भी चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो। तो हर इंसान तारीफ चाहता है। तारीफ इंसान इतना ज्यादा सुनने का आदी होता है कि आपको एक छोटी सी कहानी हम सुनाते हैं कि इंग्लैंड की रानी थी जिनको अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं था, वो तारीफ नहीं सुनती थी अपना। जब भी अपने राजमहल में जाती थी तो वहाँ एक गार्ड खड़ा रहता था और वो जोर से चिल्लाता था कि महारानी आ रही है, और महारानी को अपनी तारीफ
सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए आप उनकी तारीफ नहीं कीजिएगा। और ये महारानी जब भी वहाँ से जाती थी तो अपने गले में जो हार था वो उस नौकर को दे देती थी निकाल के खुश। इस कहानी का मतलब ये हुआ बच्चों कि जिनको तारीफ सुनना नहीं पसंद होता है उनको भी तारीफ सुनना अचेतन रूप से पसंद होता है, वो भी चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो। लोग आज के समय में क्या होता है बच्चे कि आप देखे हो कि बहुत सारे लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं। आखिर कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि उन्हें इस समाज में वो इज्जत, वो प्यार, वो तारीफ नहीं मिल पाती, कोई उनकी तारीफ नहीं करता है। तो ये चीज़ों से क्या होता है उनकी ईगो को चोट लगती है और वो धीरे धीरे अपनी अलग दुनिया बनाने लगते हैं। पागलों में क्या होता है कि वो अपनी अलग दुनिया बना लेते, उसी में गुम रहते हैं, क्योंकि उन्हीं उसी में उन्हें मज़ा आता है, उसी में वो राजा है, उसी में लोग उनकी तारीफ कर रहा है, लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो तारीफ के आज के समय में लोग इतने ज़्यादा तारीफ के भूखे हैं कि वो पागल होने तक के स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है कि हम लोगों की बुराई तो कर लेते हैं लेकिन लोगों की तारीफ नहीं कर पाते। तो डेल कार्नेगी ने इस किताब में लिखा है कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों की तारीफ करें। अब ये होता है कि लोगों में क्या होता है, तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि वो उस स्तर तक चले जा सकते हैं। तो डेल कार्नेगी ने कहा है कि हमें तारीफ करनी है और तारीफ के दो तरीके होते हैं। एक होता है चापलूसी, जब आप सामने वाले की चापलूसी करेंगे तो सामने वाला वो समझ जाएगा कि हमारी तारीफ कर, चापलूसी आप कर, तो वो आपसे दूर रहने की पूरी कोशिश करेगा। तो हमें कोशिश ये करनी है बच्चों कि कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करनी है। जो इंसान जो उसकी वास्तविक क्षमता है उसकी तारीफ आप कीजिए। बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को हमेशा डांटेंगे, तुम ये गलती किए, तुम वो गलती किए, तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, तुमने ये, तुम्हारे अंदर ये कमी है। लेकिन जब वही बच्चा बहुत अच्छा नंबर लाता है, बहुत अच्छा लाइफ में करता है, तो हम उसकी तारीफ नहीं करते, हम उसे हिचकते हैं कि हमको लगता है कि तारीफ कर देंगे तो हो सके बच्चा बिगड़ जाए। नहीं, बच्चा दिन रात मेहनत करता है इसीलिए क्योंकि वो आपका एक शब्द सुनना चाहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आज के माता पिता में ये भी चीज़ें पाई जाती हैं कि हम तारीफ करने से पीछे हटते हैं। तो हमें यही कोशिश करनी है कि जो वास्तविक तारीफ हो बच्चे की उसे हम करें, और छात्रों से हम यही करेंगे जो आप अपने लाइफ में इस चीज़ का प्रयोग कीजिएगा। जब आप लोगों की तारीफ करेंगे तो लोग आपके और आकर्षित होंगे, लोग आपके व्यक्तित्व को बहुत पसंद करेंगे, लोग आपके पर्सनालिटी से प्रभावित होंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे। लेकिन वही जब आप लोगों की निंदा करने लगेंगे, लोगों की बुराई करने लगेंगे, तो लोग आपसे धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। आपने देखा होगा बच्चों कि जहाँ गंदगी रहती है वहाँ क्या होता है, लोग रुकना चाहते हैं वहाँ से, जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागना चाहते हैं। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है, जहाँ पे खुशबू होती है, फूल होता है, वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, उन्हें पसंद। तो बच्चों हम कामना करते हैं आप बहुत अच्छे से रहें अपने परिवार के साथ, और किसी भी तरह की समस्या हो आप हमें बताएं, हम सभी आपके साथ हैं। और बहुत जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी, तो अच्छे से रहें बच्चों।